दयालपुर नाम का एक गांव था जहां बाबूलाल नाम गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से बाबूलाल खुश था। उसकी बीवी निर्मला घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता। निर्मला, खेत में दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान ना जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। शुक्र है हमारे पास ये गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। देखो जी, हम इस गाय के दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। बोल तो तुम सही रही हो लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी तो बारिश होगी जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। क्या करें, कुछ समझ नहीं आती, मैं इस गरीबी से तंग आ गई। माँ जी की दवाइयों का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। तुम चिंता मत करो निर्मला, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा जी, ठीक है। बाबूलाल घर से निकल कर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में महान पंडित मिले। वह बाबूलाल को देखते ही गाने लगे। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वो तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल को थोड़ा अजीब लगा। यह क्या बोल रहे हैं पंडित जी, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि ये एक महान पंडित हैं। इनका कहां कभी खाली नहीं जाता। प्रणाम पंडित जी, आज कहां को चल दिए और क्या बोलते जा रहे हो। वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो। पंडित बाबूलाल को ही घूरे जा रहा था और वही गीत गाए जा रहा था। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वो तेरे निकट चला आया है। अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। खेतों में बहुत काम है, बुवाई नहीं की तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद बाबूलाल खेत में पहुँच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया, पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। यह क्या चीज है जिससे यह आवाज आई है, पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। बाबूलाल तेजी से खोदने लगा और वहाँ खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। यह क्या, पतीले को भी कोई जमीन में गाड़ता है। कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ, चलो घर ले जाता हूँ इसे। बाबूलाल पूरा खेत जोतकर पतीला लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, देखो क्या मिला है मुझे खेत में आज, लगता है कोई कल रात को ही गाड़ कर गया था। बताओ तो, ये भी कोई खेतों में गाड़ते हैं। चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। अच्छा अब सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के काम ही आ जाएगा। तुम्हें अब कोई दूसरा बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, सफाई बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। बाबूलाल ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के काम में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे, सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने काम में लग गए। निर्मला दूध निकालने के लिए गाय के पास गई। सुनो निर्मला, दूध के लिए जो पतीला था तुम दूध उसमें ही रखो, बहुत बड़ा पतीला है वो। अंदर रखा है वो, तनिक लेकर आइए तो। बाबूलाल ने पतीला लाकर निर्मला को दिया और निर्मला ने सारा दूध निकालकर उस पतीली में डाला। जैसे ही निर्मला पतीले को उठाने लगी, गाय ने उसे तेजी से लात मार दी और निर्मला वहीं गिर गई। हाय, ये क्या हो गया, कोई है। पप्पू के पापा कहाँ गए। बाबूलाल दौड़ता हुआ आया और निर्मला से पूछने लगा, क्या हुआ,
तुम्हें चोट कैसे लग गई और तुम गिरी कैसे? देखो ना, आज इस गाय ने मुझे लात मार दी। मैंने पहले ही कहा था, तुम निकला निकाला करो दूध, यह मुझे पसंद नहीं करती है। ठीक है, आराम से उठना। बाबूलाल ने निर्मला को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया। इसके बाद बाबूलाल ने पतीले को उठाकर एक तरफ रख दिया। अरे सुनो, दूध के पतीले को सही जगह रख दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बाबूलाल ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा। वह गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी गाय उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल है नाम। सीधी साधी बोली मारे, सीधा सा है काम। दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल है नाम। सीधी साधी बोली मारे, सीधा सा है काम। ये तुम्हारा गाना सुन सुनकर ही बिगड़ी है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। बाबूलाल कुछ सुन ही नहीं रहा था, तभी पतीले को बच्चों ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। अरे देखो तो बच्चों ने यह क्या कर दिया, देखो जरा। तुम दोनों को अभी बताती हूँ मैं। अरे क्या किया तुम दोनों ने, ये दूध का पतीला गिरा दिया। रुको बताता हूँ तुमको, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। अरे उसे छोड़ो, ये देखो क्या हो रहा है। दोनों पतीले की तरफ ध्यान से देखते हैं, उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे घर आंगन में और गाय के नीचे तक बस दूध ही दूध फैलता जा रहा था। सुनो जी, यह क्या हो रहा है, इतना दूध कहाँ से आ रहा है। मैं भी यही देख रहा हूँ, ये सब क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है, ये किसी जादू से कम नहीं है निर्मला। बाबूलाल ने पूरा हाथ उस पतीले में डालकर देखा, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चल सके। अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर ये दूध कहाँ से आ रहा है। निर्मला खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली पतीला नहीं, जादुई है। सुनो हम तो अमीर हो गए आज ही इसको पाकर। अरे पागल हो गई है क्या, पहले जो दिख रहा है उसको संभालने दे, फिर अपनी बात बताना। बाबूलाल ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में पतीले को उल्टा पटक दिया तो दूध बहना बंद हो गया, तब उसे जाकर राहत की सांस मिली। निर्मला ये तो सच में जादुई पतीला है, देखो सारे बर्तन भर गए, अब इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे। क्या करेंगे मतलब, हम इसे पूरे गांव में बेचेंगे और गांव के बाहर भी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इतना दूध अचानक से हम कहां बेच पाएंगे। अरे अब हम मालामाल हो जाएंगे, दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही पनीर खोया सब कुछ, अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होंगे। बाबूलाल और निर्मला की सूझबूझ से यही हुआ, दोनों उस पतीले के दूध से दही मक्खन घी और खोया जैसा सामान तैयार करने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा, हमें अपने साथ किसी को जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना मुश्किल है। मैं किसी को बुलाती हूँ, मगर बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कहीं उसके सामने पतीले का राज न खुल जाए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल का बड़ा भाई भी रहता था, जो पहले से ही अमीर था। अपने भाई को बढ़ता हुआ देख उसे जलन होने लगी। देखो तो कहां इनको रोटी तक नहीं मिलती थी, आज यह मेरे से ऊपर उठ रहा है। सही कहा जी जाजी, गरीब भिखारी लगता था, लेकिन अब तो ठाट बाट देखो, आपके सामने है सब कुछ। पता करो फिर, इस बात का इंतजार है, आखिर यह ऐसा क्या कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा, आखिर माजरा क्या है। लगाना ही पड़ेगा, तुमको फोकट का नहीं पालता हूँ मैं, तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते में कोई भिखारी होते। चेतन ऐसा सुनकर घर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ बात करने लगा। यार ये जीजा भी ना, जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, पहले तो इसका कुछ करना पड़ेगा,
देखो एक काम करते हैं, तेरे जीजा को ही गायब करवा देते हैं। नहीं यार, दीदी को पता चला तो हर एक पेड़ पर बंदर बनकर घूमने को बोलेगी। तो एक काम करते हैं यार, प्रधान जी का कुत्ता छोड़ देते हैं, सुना है बहुत भागता है वो, थक कर कुछ दिन अपने आप बिस्तर पकड़ लेंगे। नहीं यार, वो भी सही नहीं है, अगर गलती से काट लिया तो रोज रोज उठते बैठते मुझे काटेंगे जीजा जी कुत्ता बनकर, ये भी सही नहीं है। अभी तो जीजा जी ने बाबूलाल के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाने को कहा है, लेकिन कैसे? अरे मैं बताता हूँ, गांव में दो चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर, उनको बाबूलाल के घर भेज देते हैं कि पता करो माजरा क्या है और लगे हाथ चोरी भी कर लाओ। हाँ यह सही है, तुम उनको बाबूलाल के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल सरदार रामलाल के घर चाहिए। हाँ ठीक है। दोनों चोर छिपते हुए बाबूलाल के घर जा पहुँचे और खिड़की से झांक कर देखते हैं। उस समय बाबूलाल और निर्मला पतीले से दूध बढ़ा रहे थे। यह सब देखते ही चोर बोला, उड़ी बाबा ये देखो कोई जादू चल रहा है क्या, ये दूध कहाँ से आ रहा है? अरे बुड़बक, यही है जादुई पतीला, इसी की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया है, इसी पे अपन को हाथ साफ करना है आज, समझा? दोनों रात में बाबूलाल के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आए। उड़ी बाबा तुम इंतजार करो, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करें। हाँ ठीक है भीड़ू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे, उसके बाद बाबूलाल और निर्मला वहाँ से बाहर निकले। उड़ी बाबा यही सही समय है, उठा ले पतीले को और सरदार के घर चलते हैं, खुश होकर सरदार इनाम देगा। मैं तो कहता हूँ इस पतीले को लेकर कल्टी मार लेते हैं भाई, माला माल हो जाएंगे। हाँ उड़ी बाबा सरदार की मार भूल गया क्या? नहीं नहीं मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। हाँ दोनों उस पतीले को लेकर वहाँ से चलने लगे और सीधे जाकर सरदार के घर जा पहुँचे। सरदार और चेतन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे, वाह साले साहब कमाल कर दिया, तो इस पतीले की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे जी जाजी डालो कुछ भी इसमें, बस बहुत सारा हो जाएगा। जो भी डालूं, मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें? अरे नहीं जी जाजी, इतनी चिलमों का क्या करोगे तुम, कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। ऐसा क्या है जिसे डालकर वह चार गुनी हो जाए, कोई कीमती चीज डाल दी और वह वापस नहीं आई तो? भाई साहब मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूँ। फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। अरे भीड़ो तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ही डालकर देखता हूँ। उड़ी बाबा रुको, तो ऐसा नहीं कर सकते, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ नहीं समझा तुम? मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो, अरे कभी तो सुन लिया करो। अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, ये देखो पतीले में क्या हो रहा है। यह क्या इतनी सारी अंगूठियां कहां से आ रही है? उड़ी बाबा यह क्या हो गया इतनी सारी अंगूठी? सब लोग उस पतीले का जादू देख हैरान रह गए, क्योंकि उस पतीले का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराता हुआ बोला, यार सच बताऊं तो ये सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूँ, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठियों के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए, मगर चेतन यह जादू देखते ही घर से निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ ऐसा हुआ, इस पतीले ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया।